सेकेंड प्रेगनेंसी ज़्यादा डिफिकल्ट है फर्स्ट प्रेगनेंसी से, बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब मैंने जो ये पूरा प्रेगनेंसी थ्रू आउट जो मेरा जर्नी रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? होप सो कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपको मैंने अपने अदर ब्लॉग में आपने अगर देखा हो तो मैंने बताया है कि मेरा ये प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है। मुझे लगा कि मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जो मतलब आप लोगों को पता होगा मैंने अपने ब्लॉग में ये डिस्कस किया है कि ये मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो मेरा एक बेटा है 5 साल का, और मतलब 5 साल हो जाएगा उसका नवंबर में, और ये मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो गाइज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करने वाली थी कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में। जैसे कि जब मैंने मतलब पता चला था मुझे कि मैं मतलब ऐसा कि प्रेगनेंसी मतलब है मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे लगा था कि ये तो मतलब लाइक फर्स्ट मेरे में, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट में मेरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, मतलब लाइक नथिंग, तो ना कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं था कि मतलब मैं आपसे बताऊँ। नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी होता है स्मूथली ईजी गोइंग था, लेकिन ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, तो ये सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे लगा कि ये मेरे लिए शायद बहुत आसान होगा, क्योंकि सेकेंड ही है ना, मतलब बॉडी को टॉलरेट करने का आदत है। मतलब फर्स्ट में क्या होता है ना कि आपको उन चीज़ों का आपके बॉडी को आदत नहीं होता है, जैसे लाइक नौजिया, वॉमिटिंग, जो स्टार्टिंग सिम्टम्स है उसका आपके बॉडी को आदत नहीं होता है, तो उस टाइम वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना। लेकिन आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि ये सब मुझे फर्स्ट में आया है तो सेकेंड में भी ये मतलब प्रॉब्लम आएगा। तो इस हिसाब से मैं भी प्रिपेयर थी, मुझे लगा ये तो बहुत इजी गोइंग होगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा। और मुझे एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ जिनका सेकेंड प्रेगनेंसी होगा तो वो बेटर जान पा रहे होंगे सेकेंड या थर्ड कि मतलब लाइक कि मतलब ये बोलने की बात नहीं है, बट ये थोड़ा ईजी रहेगा, मतलब काम करने का आदत हो जाता है। लाइक छोटे बच्चों के साथ होता है ना, भाग दौड़ ये वो करते रहो, तो मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी को आदत होता है, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, ये मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी कि मुझे फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो सेकंड में भी नहीं आएगा। बट मैं बता दूँ आपको, सेकेंड प्रेगनेंसी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फर्स्ट प्रेगनेंसी से, बहुत डिफ़िकल्ट है यार। मतलब मैंने जो ये पूरा प्रेगनेंसी थ्रू आउट जो मेरा जर्नी रहा है, मैं मतलब बता नहीं सकती आपको कि मुझे क्या क्या चीज़ मतलब डिफ़िकल्टीज आए हैं। मतलब लाइक मेरा एक बच्चा है जो स्कूल जाता है ऑलरेडी, तो स्कूल में उसका एब्सेंट नहीं करा सकती कि मैं उसको मतलब पूरा गैप करवा दी। फर्स्ट में क्या होता है कि आप मायके चले गए, आप ससुराल चले गए, जहाँ मतलब आपका कम्फर्ट जोन है आप वहाँ चले गए, आपका हो गया केयर, आप बच्चे का हो जाता है केयर आफ्टर डिलीवरी। लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होता है तो सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी आता है वो आता है कि आप, अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है, स्कूल गोइंग है, तो आप मूव नहीं कर पाओगे अपने प्लेस से। अगर आप स्टिल मायके में हो, ससुराल में हो, या आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है उस टाइम पे। और अगर जो जैसे कोई बाहर रह रहे हैं, मैं अभी फ़िलहाल पुणे में हूँ, मैं राहुल एंड नयन, यहीं पे हमारा जॉब है, तो नयन यहीं पे पढ़ाई करता है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि अकेले नयन को हैंडल करना। एंड थॉरली मैं ये तो कहूँगी, मैंने अकेले हर कुछ मैनेज किया है फर्स्ट मंथ से लेके अब तक। अब आने वाला है नेक्स्ट मंथ जो कि डिलीवरी है, तो नयन में तो मेरा सी सेक्शन हुआ, तो इस बार श्योर है, डॉक्टर ने कह दिया है सी सेक्शन ही होगा, एंड मैं तो कंफर्टेबल हूँ सी सेक्शन से। मैंने ये डिस्कशन पहले भी आप मतलब ब्लॉग में डाला है, तो क्या है नहीं है वो आप वहाँ पे देख लेना, लेकिन मैं इस मतलब फ़िलहाल सी सेक्शन से कंफर्टेबल हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो जो डिफ़िकल्टीज आती है मतलब लाइक, पहला तो जो सब लड़कियों के लिए होता होगा, नौजिया, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इतनी बड़ी इशू आपको सुन के नहीं लग रहा कि अरे थोड़ा बहुत है, लेकिन जिन्होंने झेला है यहाँ पे ओवर वॉमिटिंग का, कि अगर दिन में 7 बार 5 बार 6 बार हो रहा है, तो उनको यहाँ पता होगा। तो मेरा ये 4th-5th month तक अभी भी मेरा वॉमिटिंग का मतलब ऐसा फ्रिक्वेंटली नहीं होता, बट होता है
4-5 मंथ तक जो मैंने झेला है वॉमिटिंग का, मतलब मैं 3 टाइम सारे मील से पहले मैं दवाई खाती थी, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, पर मेरा वॉमिटिंग नहीं रुकता था फिर भी। अब वॉमिटिंग होना ही होना है, और इससे क्या होता है आपके जो लीवर वगैरह है उस पर असर होता है, मतलब इतनी वॉमिटिंग, मतलब ऐसे जो एक फील आती है। और हम लोग जो जैसे देखो हर बार वॉमिटिंग होता नहीं है, खाली पेट में भी वो जो आप समझ रहे होंगे जो यहाँ पे जानते होंगे, वो जो फील आता है ना उससे जो प्रेशर हमारे लंग्स पे बनता है, हमारे लीवर पे, वो अच्छा नहीं है बेबी के लिए, बेबी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ मेरा सबसे बड़ा एक डिफ़िकल्टी आया था, मतलब मैंने वो 4 महीना कैसे झेला है मैं ही जानती हूँ। फिर आता है आपका कि आपका मतलब आपको खाना एक डाइट दिया जाएगा, उस डाइट में आपको खाना है, और अगर आपने नहीं खाया, जैसे आपको अगर वॉमिटिंग भी हो रहा है डॉक्टर बोलेंगे आपको खाओ, क्योंकि बेबी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपको अगर वॉमिट हो भी रहा है तो भी आप खाओ, क्योंकि फिर बेबी को ग्रो करने के लिए कुछ तो चाहिए आपके स्टमक में। आपको लगेगा मैं एम्प्टी स्टमक रह लूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल विथ प्रेगनेंसी। आप ऐसे रह सकते हो कि अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ वॉमिट का, तो आप खाली पेट रह लो, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो तो आप ये भी नहीं कर सकते। तो ये था, किसी तरह खाओ, फिर पता है कि खाया तो अभी वॉमिट करना है, करो। उसके बाद मुझे जो दूसरा डिफ़िकल्टी आया वो आया वेट लॉस, जो कि मेरा वेट ऐसे बहुत कम नहीं है, अच्छा था, जो था ओवर ही वेट था, पर अंडर वेट नहीं था कभी भी। तो ये इस प्रेगनेंसी में मेरा वेट पीछे ही जाने लगा। अब ये हुआ कि मतलब बेबी के ग्रोथ पे उसका असर होने लगा। फर्स्ट मतलब 3 मंथ तक तो ठीक था, किसी तरह मैनेज हो रहा था कि ठीक है थोड़ा बहुत कम 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 कम। ये जब कंटिन्यूसली 5 मंथ तक हुआ तो बच्चे का ग्रोथ में प्रॉब्लम आया। यहाँ मेरी दूसरी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी, मेरा प्लेटलेट काउंट कम हो गया, प्लेटलेट्स काउंट, हेमोग्लोबिन कम था, मतलब लाइक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एक तो मुझे नॉजिया वॉमिटिंग वो अलग, वीकनेस बहुत अजब लेवल का, अलग लेवल का वो अलग। उसके बाद एक और टेंशन मेंटली, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ किस लेवल का सफ़र होता है। आप ये सब रहने दो, ये तो बॉडी टू बॉडी मतलब डिफ़र करता है, किसी का हुआ कुछ, किसी का स्मूथली गया, किसी का मतलब ईजी गोइंग रहा थ्रू आउट जर्नी, ये तो किसी का भी मतलब बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है। लेकिन बच्चे को सुबह स्कूल भेजना सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी, सुबह उठो, ये बहुत सारी मदर ने फेस किया होगा, जिनके छोटे बच्चे होंगे, जिनका सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी रहा होगा, उन बच्चों का लंच बनाओ, उनको दो, उनको खिलाओ, टिफ़िन कुछ तो आप ब्रेकफास्ट करा के भेजोगे ना, वो करो। क्योंकि बच्चे, मेरा बच्चा तो अभी 4.5 साल मतलब 4 ईयर कुछ मंथ का है, ये खाना ही नहीं खाता है, ब्रेकफास्ट इसको हाथ से कराओ, इंसिस्ट करो, क्योंकि बच्चे को आप भूखे पेट नहीं भेज सकते और भेजना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मेरे लिए बहुत बड़ा, फिर सबसे क्या होता था ना, इसको नयन को मेरा गोदी का आदत था, किसी भी बच्चे को अपनी मम्मा के गोद में सुबह सुबह उठ के जाना, मतलब ये एक 90% बच्चों का होता है कि उनको मम्मा का हक चाहिए, मम्मा थोड़ा सा टहला दो, ऐसा वाला। तो नयन मेरे गोदी में टहलता था। अब मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जो स्टार्ट हुआ, वो था इसको गोदी नहीं लेना, कुछ भी भारी, आपको जैसा पता होगा भारी नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, तो लेके आप टहला भी नहीं सकते। मैं कभी कभी भूल जाती थी, मतलब एक होता है ना, और वो बहुत रोता था कि मम्मा, बस वो इस चिड़ से रोता था कि मम्मा तुम मेरे को गोदी क्यों नहीं ले रही हो, क्योंकि वो उस बहुत छोटा है 4 साल का, उसको समझ नहीं आएगा कभी भी कि मेरे टमी में बेबी है या जो भी, कि इस वजह से मैं उसको नहीं ले पा रही। और अगर मैंने उसको समझाने का कोशिश किया तो वो पहले और चिढ़ता था कि नहीं मेरे को लो, मेरे को लो, ऐसा। और वो इतना रोता था डेली सुबह का, और मैं उसके साथ रोती थी कि ये क्यों रो रहा है ऐसे। तो राहुल बोलते थे अच्छा कोई नहीं, फिर राहुल बहुत मुश्किल से ये वाला फेज जो है वो हम लोगों ने मैनेज किया, कि मतलब मम्मी से पापा तक का सफ़र के लिए, लाइक अब मम्मी नहीं ले सकती, मैंने पुच्ची वुच्ची कर लिया जब सो के उठा, फिर राहुल ने लिया उसको टहलाया, ये हो गया। फिर ये धीरे 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 अब जाके मतलब एक दो में, मतलब ये जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर था,
स्टार्टिंग से मैंने एकदम छोड़ दिया, क्योंकि एकदम थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आप रिस्क भी नहीं ले सकते कुछ भी इस तरह का, या बच्चा लेके घुमा रहे हो या जो भी। ये मेरे लिए एकदम हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत मैं खुद बहुत रोती थी। राहुल बहुत समझाता था कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और मैं अभी भी रोती हूँ। राहुल जब गोदी उठाते ना तो मुझे लगता है कि यार मैं कब लूँगी, कब मेरा स्टिचेस, एक बार ऑपरेशन हो जाए बस, कुछ एक महीना हो जाए बस मैं इनको उठा के मैं घुमाऊँ, क्योंकि ये भी एक फेज़ होता है ना, मैंने वो किया है तो मेरे लिए वो बता नहीं पाऊँगी कि मुझे कितना ज़्यादा रोना आता था, क्योंकि ये रोता था मम्मा के लिए। ये खो गया, उसके बाद इसको सुबह उठाओ, मुझे खुद उल्टी आ रही है, मुझे मतलब अगर कुछ छौंका लगाओ स्मेल लगता था मैं वॉमिट कर दूँ, तो उस टाइम पे मैं छौंको एक बार जाती थी दौड़ के बाथरूम, वॉमिट करके आती थी, फिर मुझे कोई इसी चीज़ का स्मेल, जैसे दाल बनाया, छोटे बच्चे को तो मतलब नयन को भी दाल पसंद है, छोटे बच्चे को तो आप दाल खिलाना प्रीफर करोगे, दूध का स्मेल, दाल का स्मेल, छौंका का स्मेल, आटा तो नहीं बोल सकती, आटा एक ऐसा है जो मैक्सिमम मतलब औरतों को ये होता होगा आटा से प्रॉब्लम, पर मुझे आटा से प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन दाल से, दाल का जो वो स्मेल, जब दाल वो उबलते हैं प्रेशर कुकर में, बाय गॉड, छौंका किसी भी चीज़ का, फिर कोई सब्जी का जो वो मसाला का जो स्मेल होता है पकने वाला, मतलब मैं समझो मैं सुबह 5:30 बजे उठती थी, नैन का वैन 8 बजे आता है, मैं उसको 6:30-7 में उठाना शुरू करती हूँ, तो वो 15-20 मिनट में उठ पाता है, फिर उसको नाश्ता कराओ, फिर उसको वॉशरूम का काम कराओ, फिर रेडी करो, फिर स्कूल भेजो, तो मतलब लंबा प्रोसीजर है, तो उसके लिए मैं उठती थी। अब उसके बाद मैं 3 से 4 बजे सिर्फ और करती थी, उल्टी होता नहीं था, कि खाली पेट होगा क्या, उल्टी निकलेगा क्या वॉमिट में, बट बस लगता था वो फीलिंग, उससे मैं कैसे करूँ, और वो फीलिंग वॉमिट होने के बाद लगता है चक्कर आ जाएगा मुझे, फिर मैं यहाँ हॉल में थोड़ी देर बैठती थी, फिर जाती थी, फिर सीम करती थी गैस, फिर वॉमिट, फिर जाती थी, फिर बनाती थी। ये मेरे लिए मतलब ये प्रेगनेंसी मैं कभी नहीं भूलूंगी, सेकेंड प्रेगनेंसी कभी नहीं लाइफ में, इसमें मतलब मुझे, मैंने मैनेज किया है चीज़ों को। मतलब लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के साथ करना पड़ता है, अगर छोटे एक बच्चे हैं तो दूसरे को, मतलब आप पहला का पढ़ाई तो आप नहीं छुड़ाओगे ना, कि आप घर चले गए, लाइक सबसे कंफर्टेबल प्लेस अगर बोला जाए प्रेगनेंसी में तो वो किसी भी लड़की का माँ का घर होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप जा भी नहीं सकते, कैसे जाओगे स्कूल छुड़वा के, कैसे जाओगे, तो वही बात है। फिर मुझे ये हो गया एक प्रॉब्लम, फिर मैंने किसी तरह मैनेज किया, फिर मैं जब 4th मंथ कंप्लीट हुआ मैं चली गई 1 मंथ के लिए नैन के समर वेकेशन में, इसके दादी घर नानी घर, वहाँ रह के आई, वहाँ से और थोड़ा होता है ना भाग दौड़ से, 1 महीने के लिए गई थी पुणे से, मेरा वेस्ट बंगाल पड़ता है ससुराल, मायका झारखंड, तो मतलब बगल बगल में है, ऐसे सुन के आपको स्टेट वाइज लग रहा होगा बहुत ज़्यादा दूर, लेकिन नहीं बगल बगल है, तो वहाँ पे थोड़ा होता है ना भाग दौड़ ये वो जाना, ट्रैवलिंग करना, मेरी मतलब यहाँ मैं आई और मेरी हो गई तबीयत और ख़राब, हेमोग्लोबिन कम, प्लेटलेट्स काउंट कम, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया, ब्लड प्रेशर कम, मतलब जितनी बोल सकते हो ना भर भर के सब कुछ होने लगा, मैं बहुत पतली हो गई, मतलब लोग बोलते थे कि पता ही नहीं चलता क्या है नहीं है, पता ही नहीं चलता प्रेग्नेंट हो, पर ठीक है स्टिल सबका बॉडी टू बॉडी ये भी वेरी करता है क्या है नहीं है, बट सबसे बड़ा कंसर्न ये आया कि मेरा प्लेटलेट्स काउंट कम था, फिर आपका हीमोग्लोबिन तो सब लेडी का थोड़ा कम हो जाता है बहुत, मतलब टचवुड मेरा इतना भी कम नहीं था कि मैनेज ना हो पाए, ठीक था, पर डॉक्टर का ये था कि आप हीमोग्लोबिन रिच प्रोडक्ट, आयरन रिच प्रोडक्ट खाओ, क्योंकि इस टाइम क्या होता है बच्चा भी आपके उससे बनता है ब्लड से, तो आपको भी चाहिए आपके बच्चे को भी चाहिए, ये एक रीज़न होता है मदर का हीमोग्लोबिन कम होने का। रहा प्लेटलेट्स काउंट, इसके लिए आपको टेस्ट डॉक्टर बताएंगे, डेंगू मलेरिया जो इधर बहुत फैला था उस टाइम पे भी, डेंगू वगैरह पुणे वगैरह में, तो उस टाइम ने मुझे डॉक्टर ने सारा टेस्ट किया, फिर पता चला नहीं कुछ भी नहीं है ये इसके मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से इसका प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है, ये कंसर्न हुआ, फिर मुझे बहुत सारा मेडिसिन वगैरह चला, फिर ये टेस्ट हुआ आफ्टर 10 डेज हेवी मेडिसिन डोज के बाद, तो थोड़ा लेबल पे आया, तो डॉक्टर बोली कि हम लोग अब
ठीक है, इतना है कि हम लोग मैनेज कर पाए। तो फिर मुझे सारा प्रोटीन पाउडर जो भी होता है, 22 क्या बोलते हैं उसको, पोमीग्रेनेट डेली, एक एप्पल, फिर आपका बीट रूट। भाई मतलब मैंने खा खा करके, मतलब मुझे खाने का इच्छा ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में था बहुत, ना मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में, मुझे लगता था बस मुझे खाने से दूर रखो ऐसा था। लेकिन मेरे लिए कंसर्न था क्योंकि बेबी वेट पे इसका असर ना पड़े, और जो पड़ रहा था तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ मैनेज करने में। मेरी दवाइयाँ चल रही थी टाइम टेबल, वो मैं भूल बिल्कुल नहीं सकती थी, आयरन एंड कैल्शियम, और जो ये शायद थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होता है आयरन एंड कैल्शियम, और ये डिलीवरी के थर्ड मंथ तक चलता है, आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी भी ये थर्ड मंथ तक चलता है। तो यहाँ ये सब हो गया, उसके बाद किसी तरह मैनेज होते गया, फिर आया मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर, किसी तरह मैंने कर लिया, सब कर लेते हैं, और यकीन मानो बट ये इजी तो बिल्कुल नहीं है। लोग बोलते हैं ना लोग बोलते हैं ना, अरे हो जाता है, सब हो जाता है, भगवान ही तो देते हैं, भगवान ही वो सहन करने की शक्ति देते हैं, बट देते हैं जरूर भगवान हैं, सब है, लेकिन जो एक औरत झेलती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आसान नहीं है भाई, जर्नी आसान नहीं है, कोई भी मतलब माँ बनने का जर्नी आसान नहीं है। और वो भी मैंने ये सेकेंड प्रेगनेंसी का ये वीडियो बनाने का डिसीजन बस इसीलिए लिया क्योंकि मुझे बताना था कि मतलब लाइक मुझे लगता था, सबको लगता है, जब मेरा मेरा भी फर्स्ट प्रेगनेंसी था तो लगा कि मतलब मम्मी लोग भी बोलती थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि तुम्हारे बॉडी को अडेप्शन का ज़रूरत होता है, मतलब अडेप्ट करती है ना नई नई चीज़ें, तो शायद तुमको वो आदत नहीं होगा, जैसे बहुत सारा बॉडी फैलता है, बोन्स फैलते हैं बच्चे के आकार के हिसाब से, तो और सेकंड प्रेगनेंसी फिर आदत हो जाता है कि लाइक ठीक है तुम्हारा बॉडी टॉलरेट कर पाएगा उन चीज़ों को। ये एक मिथ है, बहुत 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 बड़ा मिथ कि नहीं फर्स्ट प्रेगनेंसी से ज़्यादा डिफिकल्ट सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, और होता है जनरली, और मतलब लाइक दर्द तो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकती कि मेरे फेस पे आपको दर्द दिखेगा प्रेगनेंसी का, बट लाइक मेरे लिए ये बहुत टफ जर्नी था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में माँ बाप बच्चा चाहते हैं वो अपने लिए, सेकंड प्रेगनेंसी का बच्चा माँ बाप के लिए भी होता है, लेकिन मोस्टली जैसा मतलब मेरे भी फ्रेंड सर्कल में बात करती हूँ, तो सेकंड प्रेगनेंसी लोग अपने पहले बच्चे के लिए लेते कि उसका एक सिबलिंग ज़रूर हो, वो जैसे हम लोग मतलब मैं भी 3 भाई बहन हूँ, मैं अपने सारा बात शेयर करती हूँ अपने भाई भैया लोग से, भाई से, मेरे जो हस्बैंड है राहुल वो भी 2 भाई बहन है, तो वो दोनों आपस में बात शेयर करते, तो मुझे हमेशा से ये था कि नयन भी कोई ऐसा आए आए मतलब चलेगा, बेबी गर्ल बेबी बॉय, मैं चाहती तो बेबी गर्ल हूँ बट स्टिल दोनों में जो हुआ बस गुड हेल्थ के साथ भगवान जी दे दे, तो दोनों में कुछ भी है, बस मैं ये चाहती थी कि नयन को उसका कोई एक सिबलिंग मिले, जिससे देखो हर कोई सब बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करता, जरूरी नहीं है, 95 केसेस में ऐसा नहीं होता है, मतलब लाइक कंफर्टेबल नहीं होता जो भी, क्योंकि मैं भी मतलब बहुत काफ़ी, मैं खुद 30 साल की हूँ, लेकिन मैं हर बात पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकती, मुझे कुछ बातों के लिए मुझे अपना सिबलिंग चाहिए, चाहे मेरा टर्म्स मेरी सिस्टर इन लॉ से भी अच्छा है, मेरी कोई बहन नहीं है तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है मैं उसको अपनी बहन जैसे ट्रीट करती हूँ, जो मेरे दोनों भाई हैं तो उनसे मैं शेयर कर लेती हूँ अगर कुछ बहुत लगा, क्योंकि पेरेंट्स से मुझे मतलब हर बात आप कंफर्टेबल नहीं होते कि आप हर बात पेरेंट्स से शेयर करो, तो ये है कि मुझे चाहिए था कि नयन भी कोई ऐसा हो सकता है कुछ बात हम लोगों से शेयर ना करे तो वो बेचारा किससे शेयर करेगा, आजकल तो इतना मतलब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ का भी बेबी है, बच्चा है, 2 बच्चा है, फिर मेरे भैया का भी बच्चा है, लेकिन आजकल आप ये देखो कि लोग मतलब कम्युनिकेशन गैप कितना, आपस में लोग घर में रहते सब अपने फ़ोन में लगे रहते, किसी के पास उतना टाइम नहीं होता कि फ़ोन उठा के मतलब लगे पड़े रहे, एक हम लोग का टाइम था वो अलग था बिल्कुल, हम लोग साथ रह रहे हैं, फैमिली है, आज भी हम लोग फ़ोन पे घंटों बात करते, बट इन लोग के नए लोग के साथ ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी होगा, क्योंकि अपने भाई बहन अपने भाई बहन ही होते कितना भी है, पर वो जो शेयरिंग केयरिंग वाला नेचर होता है ना वो सिबलिंग्स में होता है, तो मुझे था कि मुझे तो चाहिए, मतलब
आज के ज़माना में तो महंगाई बहुत है, इस हिसाब से महंगाई भी, और प्लस एक होता है ना कि मतलब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, हम लोग हमेशा सोचे थे फर्स्ट ही एक ही बच्चा रहेगा जो भी रहेगा, तो अब लेकिन लगता है नहीं, नयन के लिए सिबलिंग चाहिए क्योंकि सब खेलते हैं अपने अपने भाई बहन के साथ। नयन नयन को वो चीज़ मैं देखती हूँ कि दूसरे के भाई बहन को ऐसे पार्क में भी ले जाते तो देखते रहता था, तो ये डिसीज़न मेरा सिर्फ नयन के लिए था, ये बेबी मैं सिर्फ नयन के लिए ला रही हूँ, और होपफुली सब ठीक रहे। नेक्स्ट मंथ डिलीवरी, आप लोग अच्छा अच्छा कॉमेंट कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, एंड बस मेरी मम्मी आ रही है, काउंटिंग के कुछ दिन हैं, बस मेरी मम्मी आ जाएगी, मेरा आधा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि यार मम्मी से अच्छा तो कोई नहीं कर सकता, ये बात तो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपकी माँ से बेटर आपको एक टाइम में अपनी माँ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, ऐसे तो लाइफ टाइम होता है, मम्मी का ज़रूरत तो किसी को भी, चाहे वो इमोशनली कुछ शेयर करना हो, कुछ बात करना, मम्मी तो मम्मी होती है। दूसरा, आपको जब कोई भी औरत माँ बनने वाली तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस औरत की होती है वो उसकी माँ होती है, तो मेरी भी मम्मी का मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने तो सब बोल रखा था मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मम्मी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि मम्मी पे आप गुस्सा कर सकते हो आफ्टर सी सेक्शन, मतलब जो भी मुझे अभी देख रहे हो ब्लॉग में, आफ्टर सी सेक्शन इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, मतलब बॉडी चेंजेस, मैं मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब इतने सारे चेंजेस आते हैं, दर्द, वो मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब कुछ भी ठीक से आप नहीं कर पाओगे, ना आप बाथरूम ठीक से जा पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना उठ पाओगे, ना चल पाओगे, मतलब लाइक हर चीज़ में प्रॉब्लम, ऊपर से डिप्रेशन, मतलब मैं एक बहुत बड़ा वर्ड बोल रही हूँ यहाँ पे, डिप्रेशन, मतलब आप इसको ऐसे मत लो, लाइक और इसको कैसे बोल सकते हैं, डिप्रेशन मत आप लो, मतलब डिप्रेशन भी होता है, लेकिन आप पोस्टमार्टम जो एक प्रेशर होता है, मेंटली आपको ठीक रहना है, आपके कान को उस टाइम बस वो चीज़ें अच्छी लगेंगी जो आपके, बोलते ना बोलो भी वही चीज़ जो आपके कानों को पसंद आए, तो उस टाइम पे ये कहावत सच है कि आपके कानों को बस आपको जो अच्छा लगेगा, नहीं सॉरी मैं किस बोल रही हूँ, सुनना भी आपको वही अच्छा लगेगा, मेंटली भी आपको वही अच्छा लगेगा जो आपके अकॉर्डिंग लोग आपको बोले, तो उस टाइम वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मतलब कोई आपको पैम्पर करे बच्चों के जैसा, वो कौन कर पाएगा, आपके नखड़े जो है वो कौन झेल पाएगा, आपकी माँ, वो तो पता है उनको कि आप उनके बच्चे हो, तो वो आपका सब ठीक है, वो चिल्ला रही है तो चलो ठीक है, उसका ऐसा हुआ है, दर्द हो रहा होगा तो वो चिल्ला रही है, आफ्टर मत डिलीवरी फिर फीडिंग में भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब बच्चे को फीड कराना है तो आपको लगेगा आप सोए रहो, तो लेकिन मम्मी लोग का होता है कि कुछ कुछ टाइम में आफ्टर मतलब वन आवर मतलब वन एंड हाफ आवर आप फीड कराओ बच्चे को, अगर आपको बहुत ऑब्वियस बात है कि आप कमज़ोर रहोगे बहुत नींद आएगी, पर नयन के टाइम में भी मैं फीड नहीं कराने उठ पाती थी, मतलब मेरे में इतना दम ही नहीं था, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि उठो ना उठो ना, तो मैं चिढ़ जाती थी कि हर समय क्या है मम्मी अभी हटो, अभी हमको नहीं उठना है, मेरे को बहुत नींद आ रहा है, मेरे को बहुत वीकनेस लग रहा है, तो मम्मी बहुत बोलती थी कि अच्छा कोई बात नहीं, तब उस टाइम पे अगर आपसे कोई इन रिटर्न चिल्ला के बात करेगा तो सोचो फिर आपका मेंटल, वो लोग ही डिप्रेशन में जाते हैं, तो मेरी मम्मी प्यार से बोलती थी सहला के कि उठो उठो मैं तुम्हारे इधर बैठती, मैं ऐसे पीठ लगा के बैठती थी, आराम से बैठो, मैं ऐसे सो जाती थी, मतलब लाइक इतनी डिफ़िकल्टीज आती है, तो बस मम्मी का अकाउंटिंग के हाथ में दिन रह गए, मम्मी आएगी और सब मैनेज कर लेगी, तो बस मैं बहुत खुश हूँ कि अब मम्मी आने वाली हैं, और मेन बात है मम्मी के साथ है कि मम्मी घर भी देख लेगी, सबसे बड़ा मुझे देख लेगी, मेरे बच्चे को देख लेगी, सबसे बड़ा जो है मुझे देख लेगी, मेरे बच्चों को देख लेगी, मेरे नखड़े को झेल लेगी, क्योंकि देखो मैं ऐसे तुरंत रिटेलिएशन वाली लड़की हूँ कि कोई तुरंत कुछ बोल दिया तो मैं भी एकदम फायर हो गई, तुरंत कुछ बोल दिया तुरंत दे मैंने मतलब कुछ बोल दिया बैक, नहीं मुझे मैं सहती रहती हूँ सुनती रहती, पर वो सुनते जो रहती हूँ वो मेरे दिमाग पे लगता है ना, और मेरी जब मम्मी है, मैं कितना भी, मैं नयन के टाइम भी बहुत चिढ़ती थी, बहुत ज़्यादा मैं चिढ़ के कुछ भी बोलती थी, पर मम्मी का था चुप रह के अच्छा छोड़ो, फिर आती थी क्या हो गया कोई प्रॉब्लम हो गया,
तो फिर मुझे रियलाइज होता था कि मैंने चिल्लाया, लेकिन उस टाइम आपको समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली आपकी बॉडी में क्या चेंजेस चल रहा है। तुरंत आपको रिग्रेट भी फील होगा क्यों चिल्लाया मैंने ऐसा। तो यही है, अब देखो मैं आपसे जब मम्मी आएगी तो वो ब्लॉग तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो बस आप लोग प्रे करना अच्छा अच्छा, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना, और मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस आगे धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। तो ठीक है गाइज, ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो आप ज़रूर पूछना, मैं दूसरा ब्लॉग लेके आऊँगी। तो मैं इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, लाइक कीजिएगा वीडियो, शेयर कीजिएगा, बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।